मोहम्मद इमरान है और मेरे पिताजी का नाम है मोहम्मद अलाउद्दीन, मेरी माँ का नाम है सबरुन्निसा, मेरी वाइफ का नाम है सवाना बेगम और मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद रोहन। रहने वाले हैं यूपी के, ज़िला फैज़ाबाद, पोस्ट गोसाईगंज, ग्राम पकरेला, ये हमारा गांव है। पकरेला के रहने वाले हम हैं और यहाँ मतलब कलकत्ता में मतलब हैं हम, यहाँ करीब 18 साल से हम यहाँ हैं और इससे मतलब यहाँ पर जब से आए तब से अपना कारोबार करने लगे, बांसुरी बजाना भी स्टार्ट कर दिया। नहीं तो जब मैं पहले गांव में था, हमारे घर में मतलब दो चार दस ठो मतलब बकरी थे हमारे। मतलब मेरा यही काम है। पहले तो मेरे दादाजी मतलब हारमोनिया बजाते थे, हाँ तो वो मतलब किसी के पास, हम लोग का जो ख़ानदान मतलब मेरा इसे पूछते ही चल रहा है कि पहले मेरे दादाजी थे वो मतलब गाय गोरू का काम करते थे, हाँ तो किसी ने मिल गई, फिर मेरे दादाजी ने हारमोनिया बजाना स्टार्ट कर दिए, हाँ उसके बाद मेरे अब्बा हो गए, तो धीरे धीरे वो कारोबार मतलब भैंस गोरू का जो कारोबार करते थे ग्वाला का, तो वो बंद हो गया था और जगह भी हम लोग का नहीं था। उसके बाद हम लोग क्या किए, फिर मेरे अब्बा ने हारमोनिया बजाना सीखे दादा से, तो मतलब गाना बजाना वही करते थे। बस ये जान लीजिए कि हमने किसी से सीखा नहीं, बस हमारे अब्बा बजाते थे थोड़ा बहुत और हमने भी कोशिश किया और बस थोड़ा बहुत जान लीजिए कि अब्बा से अच्छे ही बजाने लगे। अब्बा भी मेरे बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगता है तो मतलब बिक्री कम होने लगता है हमारा, तो फिर क्या करते हैं, ये लोहा के कारखाने में मैं काम करने लगता हूँ। वहाँ पर मतलब लोहे उठाता हूँ माथा पे और गाड़ी में लोड करके छोड़ता हूँ। ये हावड़ा में करते हैं, यहाँ हमारा घर है, छोटा सा घर है, यहाँ हावड़ा टिकियापाड़ा में हम रहते हैं, इधर बाईपास विलेज रोड में, वहाँ पर हमारा घर है छोटा सा और वहीं पर मतलब जब गर्मी में काम नहीं चलता है मेरा बांसुरी का, तो फिर मैं वहीं पर अपना काम करता हूँ और उसी में अपना संसार चलाता हूँ। थोड़ा बहुत तो हमारे घर में सबको आता है, बस ज़्यादा नहीं, बस ये जान लीजिए थोड़ा बहुत तो मतलब बहुत अच्छे से बजाते हैं। और ये जानिए कि हमारा फैमिली थोड़ा बजाने को और गाना वाना बजाने का थोड़ा वो करते हैं और मेरी दादी की उम्र मतलब 74-75 साल उम्र होगा, तो मतलब ढोलक बजाती है अभी भी।
मेरा सपना तो मेरा बेटा है, और मैं अब यही सोचता हूँ कि मैं अपने बेटे को कुछ कर, अपने बेटे के लिए मतलब मैं कुछ कर सकूँ कि मेरा बेटा पढ़े, और जो मुझे थोड़ा बहुत हुनर आता है बांसुरी क्लासिकल में, हालांकि क्लासिकल तो मुझे नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं बजाता हूँ, अगर कोई सुनते हैं तो बोलते हैं आप बहुत अच्छा बजाते हैं। हाँ, बस इसी हिसाब से मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा अपने बच्चे के लिए, मेरा एक ही बेटा है, उसको मैं सिखाऊँगा थोड़े अपने तरफ से, और हो सके तो ऊपर वाला के कर्म से अगर कोई हमसे भी अच्छा अगर बजाने वाला होगा तो मैं कुछ उससे भी अपने बेटे को कुछ क्लासिकल कराऊँगा, और बस उसी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अभी छोटा है, 4 साल का है, जब वो पढ़ने लिखने लगेगा और जब वो मतलब अपने उस लायक हो जाएगा कि मतलब सब कुछ चीज़ का ध्यान हो जाएगा, तब मैं उसको अपने तरफ से मैं उसको, हालांकि अभी भी वो मतलब बासी वासी ऐसे घर में जाते हैं, जब घर में झोला रखते हैं मतलब इसको रखते हैं तो वो क्या करता है, निकाल लेता है एक दो ठो और निकाल के बजाने लगता है, बस इसी तरह वो फूफा करने लगता है। हम बोलते हैं कि बेटा अभी मत बजाओ, जब आपका समय होगा तो आप बजाइएगा, फिर आपका पापा भी आपको थोड़ा बुद्धि देगा कि बेटा इस तरह नहीं, आप इस तरह बजाइए कि ताकि आपको आए, ऐसा मत बजाओ कि अगर कोई सुने फिर आपको बोले कि ये बांसी बजा रहा है या किसी को मारने के लिए दौड़ा हुआ है। बस यही एक ख्वाहिश है हमारा ऊपर वाले की तरफ से, और मैं कोशिश ज़रूर करूँगा जितना हमको आता है, मैं अपने बेटों को अंदर दूँगा, आगे तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, बस यही है।